वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 अप्रैल 2019 और 29 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया और इस बार के इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आखिर ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता क्या है। तो आपको पता है बहुत सारे हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसा टैलेंट है जो दूसरे देश में जाके जॉब करता है। IITN IIM के बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट माइंड हैं जो दूसरे देश में जाके जॉब करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एक टैलेंट है। हमारे देश का टैलेंट उन देशों में जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, रसिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जहां पे हमारा टैलेंट जा रहा है। तो ऐसे ही टैलेंट नहीं जाता, वो देश अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो वहां पे ऐसी फैसिलिटी देते हैं, इतना अच्छा पैकेज देते हैं, तभी तो हमारा टैलेंट जाता है। तो कौन सा देश कितनी अच्छी तरीके से और कितना ज्यादा टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, इसके बेस पर ये इंडेक्स बनाया जाता है और इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो क्या है ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, कौन सा देश कितने ज्यादा अच्छी तरीके से और कितने ज्यादा टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, इसके बेस पर बनाया जाता है ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और इस बार इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। अच्छा, स्विट्जरलैंड तो फर्स्ट नंबर पर रहा है, तो सेकेंड नंबर पर कौन रहा है? सिंगापुर। और थर्ड नंबर पर रहा है USA। तो ये टॉप थ्री आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये तो बात हुई टॉप थ्री की, अपना देश भारत कौन से नंबर पर रहा है? अपना देश भारत रहा है इस बार के इंडेक्स में 80वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 80वें नंबर पे। यानी कि टैलेंट को अट्रैक्ट करने के मामले में इंडिया बहुत नीचे है। अच्छा, अगर आप इस ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने अलग से एक ऑडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस ऑडियो को सुन सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, हम सुन तो लेते हैं। जैसे यही था ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया, लेकिन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए था तुरंत कि आखिर ये होता क्या है। मैंने आपको बता दिया ये होता है, अब आपको पता लग गया। लेकिन ऐसे ही कोई भी चीज आपकी आंख के सामने आए, आपके कानों में कोई भी बात पड़े, तो तुरंत आपके माइंड में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि आखिर ये है क्या। ये एटीट्यूड आपके अंदर से आना चाहिए, चीजों को जानने की इच्छा आपके अंदर से आनी चाहिए। जब ये एटीट्यूड आपका आ जाएगा तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से पता चल जाएंगी। तो इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं इनके लिए मैं अलग से ऑडियो बना दिया करूंगा, जिससे कि आपको इनके बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाए। तो जिस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ऑडियो रिविजन करके, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑडियोज मिलती रहे। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले अगर आपने ये वीडियो देखने की हैबिट बना ली तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान का कोंकणी संस्करण किसने जारी किया है? तो अभी हाल ही में पीटर पॉल सरदान ने भारतीय संविधान का कोंकणी संस्करण जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट है उसका कोंकणी वर्जन लॉन्च किया गया है। कोंकणी एक लैंग्वेज है और इसका कोंकणी वर्जन अभी मंगलूर में लॉन्च किया गया है। मंगलूर के बिशप हैं ये पीटर पॉल सल्दान और इन्होंने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का कोंकणी वर्जन लॉन्च किया है। ये जो आपको बीच में खड़े दिखाई दे रहे हैं यही हैं पीटर पॉल सल्दान।
और इन्होंने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का कॉन्कड़ी वर्जन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार ओडीआई टीम का दर्जा हासिल किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने यानी कि यूएसए ने ओडीआई टीम का दर्जा हासिल कर लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है हमारे देश की ओडीआई टीम है, पाकिस्तान की ओडीआई टीम है, श्रीलंका की ओडीआई टीम है, इसी तरह से अमेरिका ने भी अब ओडीआई टीम का दर्जा हासिल कर लिया है। ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल टीम का दर्जा हासिल कर लिया है यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो अभी हाल ही में स्टैनफोर्ड में एक रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंडिया की अर्थव्यवस्था में 31% की गिरावट हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये रिसर्च हुई स्टैनफोर्ड में, लेकिन इस रिसर्च में है क्या? इस रिसर्च में ये आया है सामने कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको 31% का लॉस हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग डे बाई डे होती चली जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को पिछले 10 साल में 31% का लॉस हुआ है। और इसी के साथ इस ग्लोबल वार्मिंग का इंडिया को तो लॉस हुआ है, लेकिन स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों को प्रॉफिट हुआ है, वहां की इकोनॉमी बढ़ रही है क्योंकि वहां वो ऑलरेडी ठंडे देश हैं। अब अगर वो ठंडे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इंडिया को पिछले 10 साल में 31% का लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में स्टेफनी फ्रापर्ट लीग वन फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है स्टेफनी फ्रापर्ट और ये लीग वन फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है। अच्छा, ये है कहां की? ये फ्रांस की है। कहां की है? फ्रांस की। अब फ्रांस की है तो मैप में भी तो पता होना चाहिए कि फ्रांस है कहां। ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में BEML ने सिंडिकेट बैंक के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये BEML है क्या। तो ये एक PSU है, जैसे इंडियन ऑयल है PSU कंपनी है, HPCL PSU कंपनी है, उसी तरह से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक PSU है। PSU यानी कि पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स। ये क्या करती है? ये हैवी इक्विपमेंट बनाती है, जैसे वो बहुत हैवी आपने ट्रक देखे होंगे, बहुत हैवी बड़ी वाली JCB देखी होंगी, ये हैवी इक्विपमेंट बनाती है और इसने अभी सिंडिकेट बैंक के साथ समझौता किया है। अब समझौता सिंडिकेट बैंक के साथ किया है तो सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मणिपाल में। कहां है? मणिपाल। और मणिपाल कहां पे है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में फैबियो फोगनिनी ने रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है फैबियो फोगनिनी, ये टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है। अच्छा, ये हैं कहां के? ये इटली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCLT ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में NCLT ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ इंडसइंड बैंक के विलय को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये NCLT लिखा है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NCLT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो NCLT ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ इंडसइंड बैंक की विलय को मंजूरी दी है। अब इंडसइंड बैंक की बात आई है तो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इंडसइंड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? रोमेश सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी एशियाई पक्षियों के ठहराव का प्रमुख स्थल कौन बना है? तो अभी हाल ही में पूर्वी एशियाई पक्षियों के ठहराव का प्रमुख स्थल बन गया है अंडमान और निकोबार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अच्छा, ये जो अंडमान और निकोबार है इससे कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे मैं आपको बताता हूं। पहले आप मैप में देखिए, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें जो अंडमान है ये चार प्रमुख द्वीप समूह से मिलकर बनता है। चार प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्दर्न अंडमान, जो सबसे ऊपर है वो है नॉर्दर्न अंडमान। उसके बाद आता है मिडिल अंडमान, उसके बाद आता है लोअर अंडमान, और उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। और इसमें से भी जो लोअर अंडमान है इसी पर है अंडमान और निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद आते हैं निकोबार पे। निकोबार दो आइलैंड से मिलकर बनता है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इस मैप से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये आप याद रखिए। अच्छा, इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है इंदिरा पॉइंट, और वो इंदिरा पॉइंट इसी अंडमान और निकोबार में है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डेबिट कार्ड आधारित ई मैंडेट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कोटेक महिंद्रा बैंक ने डेबिट कार्ड आधारित ई मैंडेट लॉन्च किया, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये क्या होते हैं? ई मैंडेट बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था, ये सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बनाए जाते थे, लेकिन कोटेक महिंद्रा बैंक ने पहला डेबिट कार्ड आधारित ई मैंडेट लॉन्च किया है। अब कोटेक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है, तो कोटेक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? प्रकाश आपते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में बजाज एलियांज ने टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना शुरू की, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो हेल्थ कवरेज वाला आप बीमा लेते हो उसी से रिलेटेड है ये टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना। इसमें क्या होगा, 1.5 लाख से लेकर 50 लाख तक का आप हेल्थ सिक्योर इंश्योरेंस ले सकते हो। इसे लॉन्च किया है बजाज एलियंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विप्रो BFSI के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में साजी फारूक ने विप्रो BFSI के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है साजी फारूक, और ये अभी तक विप्रो BFSI के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, विप्रो तो समझ में आता है, लेकिन ये BFSI क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो विप्रो फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के अध्यक्ष थे अभी तक साजी फारूक, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बात विप्रो की है, तो विप्रो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? अजीम प्रेम जी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया? तो अभी हाल ही में SBI ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी से कोई भी प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी करके एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो एक रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, आप उसमें इंद्रेश RC लिखिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने नई सीरीज का कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC, INDRESH RC,
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।